इससे पहले हम औपचारिक संगठन के बारे में पढ़ चुके हैं, आज हम पढ़ेंगे अनौपचारिक संगठन के बारे में, जो संगठन के प्रकार हैं। तो हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि अनौपचारिक संगठन क्या होता है। जैसा कि हम ये जानते हैं कि अगर हम भारत की राजनीति की बात करें, चाहे प्रशासन की बात करें, या सामाजिक व्यवहार की बात करें, तो एक गुट शब्द का हमेशा समझ में आता है कि 100 लोग काम करते हैं, उनमें से 10 लोग एक जगह बैठते हैं, 5 लोग एक जगह बैठते हैं। तो इस प्रकार का जो जो समूह होता है, वो ऐसा क्यों बनता है? ऐसा क्या क्यों होता है कि 100 लोगों में से 10 लोग एक साथ बैठते हैं, 5 लोग अलग बैठते हैं? तो ये इस प्रकार के जो समूह होते हैं, जो औपचारिक संगठन होता है, उसके बाहर जो इस प्रकार के जो एक संगठन होते हैं, उनको हम अनौपचारिक संगठन का नाम देते हैं। इसका जन्म क्यों हुआ? इसका जन्म इसलिए हुआ क्योंकि जब होथोर्न प्रयोग किए गए एल्टन मेयर के द्वारा, तो एल्टन मेयर ने देखा है कि कार्य किया, तो उन्होंने देखा कि जो अनौपचारिक संबंध होते हैं इंसान के, वो संगठन के जो कार्य कुशलता है, जो संगठन का जो उद्देश्य प्राप्त करने का जो तरीका है, उसको प्रभावित करते हैं। और कभी कभी वो इतने हावी हो जाते हैं कि जो औपचारिक संगठन है वो कहीं कहीं कमजोर हो जाता है। जैसा कि भारत के प्रशासनिक संगठन में देखा जाता है कि कई बार जो क्लरिकल इंसान होता है, वो अपने अनौपचारिक संगठन या अनौपचारिक व्यवहार से इतना हावी हो जाता है कि बड़े बड़े अफसरों की भी उस पर निर्भरता बन जाती है। तो इसीलिए हमें अनौपचारिक संगठन का भी अध्ययन करना आवश्यकता है, आवश्यक है, क्योंकि हमें अनौपचारिक संगठनों से ये पता चलता है कि जो औपचारिक संगठन जो नीतियों के लेके चल रहे हैं, जो कार्य प्रणाली है, उसके बारे में कर्मचारी खुद क्या सोचते हैं, क्या वो सही है, तो क्या उससे लाभ है, क्या हानि है, ताकि ये प्रशासक को पता होना चाहिए कि मैं जो भी डिसीजन ले रहा हूँ उसकी क्या व्याख्या मेरे कर्मचारी के खिलाफ की जा रही है, किस तरीके से उसको मैनिफेस्ट किया जा रहा है, किस तरीके से उसको पेश किया जा रहा है। क्योंकि अगर प्रशासक को पता नहीं है कि उसकी नीतियों की किस तरीके से आगे जाके क्रियान्वित हो रही है, तो कभी भी सफल प्रशासन नहीं दे पाएगा। तो इसलिए हमें अनौपचारिक संगठन को पढ़ना भी जरूरी है, और उससे हम एक संपूर्णता, या यूं कह सकते हैं ये कॉम्प्लीमेंट्री की तरह माना जाता है। कारण ये है कि वो एक औपचारिक संबंध होते हैं, जो अनौपचारिक संबंध होते हैं वो उसको पूर्णता देते हैं, तभी एक प्रशासक को पूरी बात समझ में आती है कि हाँ हमारे संगठन में काम स्वस्थ तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसलिए हमें अनौपचारिक संगठन का अध्ययन करने की जरूरत होती है। अनौपचारिक संगठन के यदि अर्थ की बात करते हैं हम, तो अभी तक जिस तरीके से हमने डिस्कस किया है उसे समझ में आता है कि जो मनोविज्ञान है वो इसमें उत्पन्न होता है, यानी कि जो मानवीय संबंध है उसके साथ साथ उसका मानवीय जो मनोविज्ञान है, मानव की जो संस्कृति है, उसकी जो आदतें हैं, उसका जो एटीट्यूड है, उसकी जो एक मेंटेलिटी बनी हुई है, या उसकी जो अब तक की सोच बनी है, जैसे वो आर्थिक राजनीतिक परिदृश्य से आता है, इस चीज का अध्ययन करने के लिए मनोविज्ञान का विषय का जो हमें यहाँ पे मदद लेनी पड़ती है, और उस आधार पे ही हम पूर्णता में उस संगठन को समझ पाएंगे। तो इस तरीके से हम ये समझ सकते हैं कि अनौपचारिक संगठन कुछ भी नहीं है, सामाजिक और जो मनोवैज्ञानिक व्यवहार होते हैं कर्मचारियों के, उनका हमें अध्ययन करना है कि आखिर वो कर्मचारी किस बात से प्रेरित होते हैं, किस बात से निराश होते हैं, कौन सी ऐसी बातें होती है जो उनको अच्छी लगती है, कौन सी बुरी लगती है। यानी हम मोटा मोटी समझ सकते हैं कि मनोविज्ञान का यहाँ अध्ययन करने का प्रयास किया जाता है, ताकि हम उसको समझ पाए। लेकिन अनौपचारिक संगठन के कुछ दोष भी है। दोष यह है कि इससे सबसे बड़ा जो डर रहता है प्रशासक को, ये रहता है कि अफवाह फैला सकता है, ये किसी भी संगठन में अराजकता का माहौल उत्पन्न कर सकता है, ऐसी बातें भ्रमित किया जा सकता है कि कर्मचारियों में ऐसा भाव या असुरक्षा की भावना उत्पन्न हो सकती है। तो ये चीजें प्रशासक को नियंत्रित भी करनी पड़ती है, इसलिए उसको अनौपचारिक जो समूह होते हैं उन पे भी
पकड़ रखनी चाहिए, या उसको हम यूं कह सकते हैं कि वो ऐसी व्यवस्था रखे कि जो जो छोटे छोटे समूह होते हैं उनमें जो बातें होती है वो उस तक पहुंचती रहे, ताकि उसको अंदाजा रहे कि भाई मेरे जो संगठन है उसमें जो कर्मचारियों हैं उनमें ये बातें ऐसी हैं जो उनको बुरे लग रही है या अच्छी लग रही है, और कर्मचारियों कहीं पर भी अगर दुर्व्यवहार है या आपस में उन लोगों के अंदर कुछ कुछ मतभेद है तो उनको किस तरीके से उनको हम उसमें निपटाएं और किस तरीके से हम उनमें सौहार्द की भावना उत्पन्न कर सके ताकि संगठन अपने जो सामान्य उद्देश्य है उसको पूरा कर सके। तो ये इसका एक दोष है। लेकिन हम इसके लाभ की बात करते हैं तो वो इस प्रकार से है कि जो अनौपचारिक संगठन है वो सदस्यों की सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है जो कि औपचारिक संगठन में नहीं हो पाती है। इसी तरीके से अनौपचारिक संगठन से किसी भी जो जो कर्मचारी या अधिकारी उसका आत्मविश्वास बढ़ता है, वो अपने अपने मन की और अपने व्याख्या करता है तो उससे उसके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होती है। तीसरा फायदा ये कि इससे एक कम्युनिकेशन बढ़ता है, संप्रेषण प्रभावी होता है, चीजें लिखित आदेश ना देके मौखिक आदेश से भी चीजें जल्दी पहुंच पाती है क्योंकि ग्रुप में वो सीधे जाती है। दूसरी बात, अनौपचारिक संगठन जो मानवीय जो सदस्य होते हैं उनके अंदर स्थायित्व की भावना लाता है, संतुष्टि की भावना लाता है, उनके अंदर एक सुरक्षा की भावना उत्पन्न करता है। इसी प्रकार से जिस प्रकार से संगठन का अपना एक उद्देश्य होता है उसी प्रकार से जो कर्मचारी या जो मानवीय तत्व होते हैं उनका भी एक निजी उद्देश्य होता है, उनकी भी अपनी मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं होती है, उनकी भी अपने अपने एक छोटा मोटा उद्देश्य होता है, तो वो भी अपने उसके भी पर्सनल जो उनके व्यक्तिगत उद्देश्य होते हैं उनको वो पूरा कर पाते हैं। और इस प्रकार से हम औपचारिक और अनौपचारिक संगठन को जब मिला के समझते हैं तो हमें संगठन का एक व्यापक रूप दिखाई देता है और हमें प्रशासक में क्या क्या गुण होने चाहिए अगर उस किस प्रकार सफल बनाया जा सकता है उसके बारे में हम समझ पाते हैं।